कोई भी एक प्रत्याशी ए चुनाव जीतने के लिए दारू बांट रहा है, नंबर दो प्रलोभन देने के लिए रुपया बांट रहा है, नंबर तीन या किसी को धमका रहा है, तो ये सारे के सारे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक है आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। सरदार शहर थाने में उप पुलिस उप अधीक्षक की अध्यक्षता में CLG की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें अभी अभी सरदार शहर में उप अधीक्षक लगे अनिल कुमार मैशी ने CLG सदस्यों के साथ सरदार शहर की सुरक्षा व्यवस्था और नशे संबंधी गतिविधियों को लेकर विशेष चर्चा की। श्रीमान डिप्टी महोदय ने कहा कि वह नशे को लेकर काफ़ी सख्त हैं और राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों और CLG के सदस्यों से कहा कि नशे को लेकर बड़े अभियान उनके द्वारा पहले पोस्टिंग पर भी चलाए गए थे वो काफ़ी प्रभावी रहे। उन्होंने कहा कि सरदार शहर थाना क्षेत्र काफ़ी सामंजस्य और सद्भाव का शहर है और भामाशाहों द्वारा इस शहर को सुंदर बनाने की प्रक्रिया भी अनवरत जारी है। ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए श्रीमान डिप्टी ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है, उसमें जल्द सुधार किए उचित कदम उठाए जाएंगे। कच्चा बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को ठेलों को सुव्यवस्थित कर के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वहीं CLG सदस्यों ने शहर की अलग अलग समस्याओं पर अपने सुझाव दिए। डिप्टी महोदय ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐप संबंधित जानकारी दी और वहीं सदस्यों को अपने द्वारा उस ऐप को डाउनलोड भी करवाया। इस अवसर पर सरदार शहर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज, कांस्टेबल महेंद्र शर्मा, कांस्टेबल विनोद कुमार, रामनिवास मीणा, कांस्टेबल नंदराम, भाजपा नेता मुरलीधर सैनी, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह, कान सिंह, रजनीकांत सैनी, अजीज गौरी, CLG सदस्य शिल्पा स्वामी, वो धानका, कांता भोजक, कमल नाई, निरंजन धानका, आनंद प्रजापत, जाकिर खोकर, मलिक विशायती, मोहनलाल सोनी आदि जन उपस्थित रहे। सदस्यों के साथ बैठक ली गई, किस प्रकार की जानकारी दी गई है? आज की जो CLG मीटिंग पुलिस मित्र, इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करना और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित CVIGIL ऐप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण ऐप है, सिटीजन विजिलेंस ऐप, जिसमें फोटो ऑडियो वीडियो के माध्यम से कोई भी कंप्लेन यदि कोई भी करता है उसकी सूचना को एनोनमस रखा जाएगा और FST टीम के द्वारा विद इन 100 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो समस्या है उसको रिड्रेस किया जाएगा। दूसरा मुख्य उद्देश्य आगामी जो होली और धुलंडी का जो पर्व है उसमें आम जन के सहयोग से शांतिपूर्ण और सद्भावना तरीके से किस तरह से ये जो पर्व है मना सके उसके रिलेटेड भी ये मीटिंग रखी गई। सर, जैसे कि आपने 18 से 25 साल के युवाओं पर नशे की बात की है, आप अधिकारी आते हैं नशे की बात भी करते हैं, लेकिन किस तरीके से आप इस क्षेत्र में उसके ऊपर जो फोकस करेंगे? नशा क्योंकि अपराध का मूल कारण बन चुका है और मोस्टली जो युवा है वो इससे पीड़ित हो रहे हैं और नशे से वो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो हमारी कोशिश 2-3 प्रकार से रहेगी। हम नशे को लेकर नशा मुक्त रास्ता अभियान जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा चलाया गया है, अवेयरनेस कैंपेन हम पैरेलल चलाएंगे। दूसरा, हम ऐसी जगह नोटिफाई करेंगे जहाँ नशे को रिलेटेड नशे का उपभोग हो रहा है, नशे का परिवहन हो रहा है, तो उन जगहों को हम लीगल एक्शन के रूप में NDPS की जो कार्रवाई है उनको सख्त करेंगे और आम जन से हम एक पोस्टर जल्दी उसका विमोचन करवाएंगे कि आम जन में ही एक ऐसा नंबर सर्कुलेट हो कि आपके आसपास में किसी प्रकार की संदिग्ध और नशे से रिलेटेड कोई सूचना है तो हमें मिल जाए और उसकी सूचना को हम गोपनीय रखते हुए कार्रवाई कर सकें।